नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइडियल गेमर्स में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपके सामने हल्क बस्टर मोड दिखाई दे रहा होगा। यह GTA 5 की काफ़ी अमेजिंग मोड है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने GTA 5 में हल्क बस्टर मोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस मोड के साथ ही आप स्पेशल पावर मोड, आयरन मैन मोड और मिनी हल्क बस्टर मोड, ये तीनों मोड ही आपके एक साथ ही इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को काफ़ी डेप्थ में और अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अभी की अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं आइडियल गेमर्स यूट्यूब चैनल। इस मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर में कुछ बेसिक्स चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको चार चीज़ों को डाउनलोड करना है। अगर इन चारों में से आपके पास अगर कुछ भी है तो आप उसे डाउनलोड मत कीजिएगा, लेकिन ये चार चीज़ें बहुत ही कंपलसरी है। सबसे पहला है विनरेयर सॉफ्टवेयर। मुझे जहाँ तक पता है यह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में पहले से ही होगा। अगर नहीं है तो इसे डाउनलोड करना तो कंपलसरी है ही। इसके बाद दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है स्क्रिप्ट हुक भी और scripthook.net। इन दोनों को मैंने रेयर फाइल बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है अपने मीडिया फायर का, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, अगर आप स्क्रिप्ट हुक भी का अपडेटेड वर्जन डाउनलोड करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, तो बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर आप अपडेटेड वर्जन को अगर GTA 5 में डाल देंगे तो उससे क्या होता है, गेम इनफाइनाइट लोडिंग ले लग रहा है, जिस कारण मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और मेरे साथ भी खुद ऐसा हुआ। मैंने जब इसका अपडेटेड वर्जन यूज़ किया तो मेरा गेम इनफाइनाइट लोडिंग लेने लगा, और जब मैंने इसका पुराना वाला वर्जन यूज़ किया तो मेरा गेम ठीक हो गया। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपडेटेड वर्जन ना यूज़ करें। मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रिप्ट हुक भी और scripthookbhi.net, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट मोड आता है वह है हल्क बस्टर मोड। यह 26 MB की फाइल है, आपको इसे भी डाउनलोड कर लेना है। गाइस, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो हमारा सबसे मेन फाइल है, चौथा फाइल, उसका नाम है OpenIV। गाइस, यहाँ पर आप डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 4 से 5 MB की फाइल है दोस्तों। तो गाइस, टोटल आपको एक तरह से मैं कह सकता हूँ यह तीन चीज़ें ही डाउनलोड करनी है, scripthookbhi और scripthookbhi.net। इन दोनों को मैंने एक जगह कर दिया है, यह वाला और हल्क बस्टर मोड और OpenIV। इन तीनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, मैंने इन तीनों को डाउनलोड करके यहाँ पे रख लिया है। अब गाइस, करना क्या है ध्यान से समझ जाइए। आपका ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है, इन तीनों की प्रॉपर्टी दिखा दूँ, 33 MB की टोटल फाइल है दोस्तों, कोई ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा आपका डाटा का। तो गाइस, सबसे पहले आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कीजिए एक्सट्रैक्ट हियर। तो यह देखिए, इसके अंदर से यह दोनों फाइल आ चुकी है। इसके बाद आपको हल्क मोड को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हल्क मोड भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब गाइस, करना क्या है ध्यान से समझ जाइए। इन सबको आप मिनिमाइज कर दीजिए। उसके बाद जो आपका GTA का जो गेम है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए ओपन फाइल लोकेशन। मीन्स आप अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी में चले जाइए। उसके बाद मैं इसे छोटा कर देता हूँ गाइस, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। उसके बाद जो हम फाइल हमने एक्सट्रैक्ट की थी, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। तो यह देखिए, यह मैं ओपन कर लिया हूँ। तो गाइस, जो हमारा स्क्रिप्ट हुक भी था, इसके अंदर आप क्लिक कीजिए, इसके अंदर और एक फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर और एक फोल्डर, इसके अंदर एक बिन का फोल्डर मिलेगा। अब जो इसके अंदर जो .dll वाले यह दोनों फाइल है, इन दोनों को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इसके अंदर। तो गाइस, मैंने पहले से किया इसलिए मेरा रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा, आपके में शायद ना आए। अब आप बैक जाएँ। अब यह जो scripthookbhi.net है, इसे ओपन करें। इसके अंदर और एक फाइल मिलेगी, उसे ओपन करें। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर जो .asi और .dll वाली जो फाइल है, इन तीनों को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके अंदर। तो मैंने पहले से किया है इसलिए मेरा रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा। इसके बाद आप फिर से बैक जाइए। अब गाइस, हमारा यह डायरेक्टरी वाला काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। गाइस, अब हमारा यह काम ख़त्म हो गया है। अब गाइस, आता है काम OpenIV को। OpenIV का भी क्या काम है, आपको OpenIV को इंस्टॉल करना है। OpenIV को इंस्टॉल करने के लिए आपकी जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरी वाईफाई अभी ऑन है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। अब मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। अब मैंने यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ डाउनलोड हो रही है, 4 MB की फाइल है, आप इसे डाउनलोड होने दें। बहुत छोटी सी फाइल है, इसके यह डाउनलोड जैसी होगी, इसके बाद दोस्तों एक नया मेनू आ जाएगा। आप देख सकते हैं, आपको फिर से यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
उसके बाद दोस्तों यह कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करें आई एक्सेप्ट और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करें, इसके बाद यस के ऊपर क्लिक कर दें। अब यह कुछ 19 MB की फ़ाइल को डाउनलोड कर रहा है। तो गाइस हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है अब, और यह अब इंस्टॉल हो रहा है, तो हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। गाइस आप इसे मिनिमाइज ही कर दीजिए दोस्तों अभी के लिए। आप यह देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर ही आ जाएगा ओपन IV, मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, आपको यहाँ क्लिक करना है विंडोज़ के ऊपर, देख सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अब यह बोल रहा है कि आपका गेम कहाँ पर है उससे आप लोकेट कर दीजिए, मीन्स आपने GTA 5 को कहाँ इंस्टॉल किया है। तो मैं ब्राउज पे क्लिक करके जे ड्राइव पे क्लिक करके, मतलब जहाँ मैं गेम को इंस्टॉल करके रखा हूँ उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ग्रीन कलर का आ जाएगा ऑप्शन, और मैं यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो अब गाइस अब यहाँ कुछ सर्च कर रहा है। तो गाइस कुछ समय बाद सर्च होने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ नो थैंक्स पे क्लिक कर दीजिए। अब गाइस स्टार्ट होता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, इसके बाद आपको ASI मैनेजर पे क्लिक करना है। ASI मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको सभी को यहाँ इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरा सभी ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मेरा इंस्टॉल लिखा रहा है, आपको यहाँ सबको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से टूल्स पे जाना है और यहाँ क्लिक करना है पैकेज इंस्टॉलर, इसके ऊपर आप क्लिक करें। इसके बाद जो दोस्तों हमारी हल्क बस्टर वाली जो फाइल थी उसे मतलब इसके ऊपर ओपन करना है। तो मैंने उस फाइल को यहाँ पे रखा था मोड्स फोल्डर के अंदर, हल्क बस्टर मोड। तो यह देखिए दोस्तों जो फाइल हमने मीन्स डाउनलोड की थी हल्क बस्टर वाली वो यहाँ पर है, आपको इसे ही ओपन करना है यहाँ पर क्लिक करके। तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ मोड फोल्डर पे क्लिक कर दें। और हाँ, अगर आपका GTA 5 में मोड फोल्डर नहीं है तो मोड्स फोल्डर एक बना लें। तो मोड्स फोल्डर पे मैं क्लिक करके और यहाँ इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस हमारी हल्क बस्टर मोड इंस्टॉल हो रही है। तो गाइस मात्र 10 से 20 सेकंड के अंदर यह इंस्टॉल हो जाएगी, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब गाइस हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है, अब चलते हैं गेम को ओपन करते हैं। हाँ गाइस, जब आप गेम को ओपन कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दीजिए अगर आपका क्रैक वाला है तो। गेम को ओपन करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+N को प्रेस करना है। आप जैसे ही Ctrl+N को प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कोने में एक इस तरह का मेनू बार आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है आयरन मैन VV 2.4.5 के ऊपर लाकर आपको एंटर कर देना है। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि इस मोड में हल्क बस्टर मोड के साथ ही आपको 3 और मोड मिल चुके हैं, वो क्या है और कैसे यूज़ करना है मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले एक ऐसा जब ऑप्शन खुलेगा आप जब इसे स्क्रॉल करेंगे तो आप आए नीचे की ओर, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हल्क बस्टर इन्फिनिटी वार दिख रहा है, आप इसके ऊपर लाकर एंटर प्रेस करें। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यह हमारा हल्क बस्टर एक बड़ा सा हल्क बन चुका है। तो गाइस आप अपने कीबोर्ड से भी को प्रेस करें, आप भी को जैसे ही प्रेस करेंगे यह थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपके सामने हल्क बस्टर यह दिखाई दे रहा है। तो गाइस यह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता यह इन्फिनिटी वार वाला, आप और एक स्टेप नीचे जाएं और यहाँ जो आप देख रहे हैं मिनी हल्क बस्टर इसे आप चूज़ करें। आप जब इसे चूज़ करके एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं एक छोटा हल्क बस्टर आ चुका है। तो गाइस यह थोड़ा सा अच्छा लगता है दिखने में, यह कूल सा लिखता है, वह बड़ा वाला कुछ ज़्यादा ही भद्दा टाइप का दिखता है, तो यह कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस अब चलिए मैं आपको इसके पावर्स के बारे में बता दूं। गाइस अब 0 दबाकर बैक आ जाएं जिससे वह मेनू बार हट जाएगा। अब आप हल्क की थोड़ी पावर देख लीजिए इसकी क्या क्या पावर्स है। तो सबसे पहला इसका पावर जो है वह है दोस्तों गोलियां छोड़ने वाला, आप किसी पर भी लोकेट करके आप जब उसके ऊपर प्रेस करेंगे एंटर तो आप देख सकते हैं यह गोलियाँ छोड़ रहा। तो अब अभी तो लोग दूर भाग रहे हैं तो देख सकते हैं गाइस यह गोलियाँ छोड़ रहा इस तरह से। और आप अपने कीबोर्ड से ई को प्रेस करेंगे, ई फॉर एलिफेंट, जैसे ही उसे प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं इसके पावर चेंज हो जाएंगे, अब यह मिसाइल छोड़ेगा। आप देख सकते हैं इस कार को मैंने लोकेट करके उड़ा दिया, अब यह मिसाइल छोड़ने लगा है गाइस। इस तरह से ई से आप पावर को चेंज कर सकते हैं, और भी इसके 2 पावर्स है। इससे गाइस यह कुछ हाथ से लेजर बीन छोड़ेगा आप देख सकते हैं, और अगर आप फिर से ई को प्रेस करेंगे तो इसकी पावर और बदल जाएगी। अब आप देख सकते हैं यह कुछ और स्ट्रॉन्ग लेजर बीन छोड़ रहा है। तो गाइस यह सब पावर आप देख लीजिए। और इसका एक इंटरेस्टिंग पावर है, अगर आप किसी भी गाड़ी के ऊपर माउस को लोकेट करके और आप क्यू को प्रेस कर देंगे क्यू,
तो यह देखिए, यह गाड़ी के ऊपर जाकर तोड़ फोड़ देगा। इसके ऊपर लोकेट करके मैं क्यू को प्रेस करता हूँ, देखिए यह इसे मार देगा। तो गाइस यह काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। इस ट्रक के ऊपर भी मैं, यह देखिए यह इसकी गाड़ी है, मैं इन लोगों के लोकेट करके मैंने क्यू को प्रेस किया, यह गाड़ी को तोड़ फोड़ के फेंक चुका है। तो यह जो काफ़ी अच्छा लगता है। और गाइस एक सबसे इंटरेस्टिंग है इसका उड़ने वाला पावर, आप स्पेस जैसे ही दबाएंगे यह हवा में उड़ जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने स्पेस दबाया यह हवा में उड़ चुका है, उसके बाद आप शिफ्ट दबाएंगे तो यह उड़ने लगेगा बहुत ही स्पीड में। और आप अपने माउस से जिधर तिधर कर सकते हैं, मीन्स राइट लेफ्ट घुमा सकते हैं। और आपको फिर से ज़मीन पर आना है तो आप स्पेस को फिर से दबाएं, तो यह देखिए यह ज़मीन पर आ चुका है फिर से। तो गाइस यह काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। तो गाइस अब आप देख लीजिए कि अब इसके और कौन कौन से इसके साथ आपको मोड्स मिले हैं। आप फिर से कंट्रोल प्लस एन को प्रेस कीजिए और फिर से आयरन मैन वाले में जाकर आप एंटर को प्रेस कीजिए, तो अब आपके सामने इस तरह का एक और मेनू बार खुल जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ इंटरेस्टिंग मोड भी है, जैसे कि यह देखिए जस्ट पावर मेटल, आप देख सकते हैं जस्ट पावर मेटल जो है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यह देखिए यह फिर से अपना नॉर्मल कैरेक्टर में आ चुका है। अब गाइस नॉर्मल कैरेक्टर में तो है ही, लेकिन इसके पास भी पावर्स है बिल्कुल हल्क बस्टर वाली। यह भी हाथ से गोलियां छोड़ सकता है और उड़ भी सकता है गाइस, मतलब जो जो हल्क बस्टर कर सकता है हमारा फ्रैंकलिन भी वही सब कर सकता है गाइस, बिल्कुल स्पीड में उड़ सकता है गाइस, यह सब कुछ कर सकता है हल्क बस्टर मोड। भले इसके पास हल्क बस्टर वाला सूट नहीं है क्योंकि इसके पास स्पेशल पावर मोड आ चुकी है। तो गाइस यह काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है गाइस दिखने में, आप देख सकते हैं यह आ चुका है। और गाइस इसके अंदर और एक मोड है, आप दिखा, आप फिर से कंट्रोल प्लस एन को प्रेस कीजिए, फिर से उसमें इंटर प्रेस कीजिए। और इसमें दो मोड है, उन दोनों मोड को मैं बता दूं। आप जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ देखिए एक है इक्विप एमोर 3, आप इसके ऊपर इंटरफेस करेंगे तो यह आयरन मैन बन जाएगा, आपको अलग से आयरन मैन मोड को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके पास पावर्स भी बिल्कुल वही हल्क बस्टर वाली पावर ही होगी, मतलब जो जो हल्क बस्टर कर सकता है वही यह आयरन मैन भी कर सकता है गाइस, कोई ज़्यादा लॉजिक वाला चीज़ नहीं है और मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है गाइस। और इसके अंदर एक मोड है, एक कैरेक्टर है, उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप फिर से कंट्रोल प्लस एन को प्रेस कीजिए, फिर से वैसा ही आएगा, इंटर प्रेस कीजिए। और एक गाइस सबसे ऊपर में है आरएस रेंजर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब यह आरएस रेंजर बन चुका है, आपको मैं दिखा दूँ घुमा कर गाइस। यह आरएस रेंजर है, पता नहीं कौन है, फिलहाल मैं तो इसे नहीं जानता हूँ। हाँ, और इसके पास भी सेम टू सेम वही सारे पावर्स है जो हमारे हल्क बस्टर के पास पावर्स थी, पावर सबके सेम है, बस कैरेक्टर चेंज हो जाता है और आप कैरेक्टर को चेंज करके खेल सकते हैं। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने पूरी तरह से सीख लिया इस मोड को इंस्टॉल करना। मैं जो जो स्टेप्स को बताया हूँ उन सभी स्टेप्स को ध्यान से फॉलो कीजिए गाइस, ताकि इस मोड को इंस्टॉल करने में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। तो गाइस आइडियल गेमर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही यूनिक और अच्छे क्वालिटी कंटेंट आते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।